पर्सन इज वेरी हॉट। अरे बटे जनरल खाना पसंद करेंगे आज आप क्या बर्सन खाना पसंद करेंगे? बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हुआ होगा तो वो देखिए। क्या चाल है? कुछ नहीं कहता। Hey everyone, this is Nawal Anwar Ali and welcome back to another vlog. So, अभी suddenly मेरा vlog बनाने का कोई mood नहीं था, but मुझे suddenly पता लगा है कि गुजरात से बच्चे आ रहे हैं, बकरों को देखने आ रहे हैं, तो इनको मैंने तरबूज खिलाया था आज, क्योंकि तरबूज से ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। इन्होंने काफ़ी हद तक खा ली है, काफ़ी हद तक रह गया है। अभी इनको मैंने सुबह के पट्ठे नहीं डाले क्योंकि मैं इनको ना फर्स्ट टाइम देता हूँ दाने, थोड़ी सी इनकी मैंने ना रूटीन जो है ना वो चेंज की है, क्योंकि होता सही है कि सुबह सुबह जब पट्ठे खाते हैं तो ये ज़्यादा करते हैं, शाम टाइम क्या होता है कि थोड़ी गर्मी होती है, दाने में नहीं देता, ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, इसलिए मैंने शाम को इनके पट्ठे में टाइमिंग कर दी है। तो अभी बस बाइक की चाबी लेते हैं और पट्ठे लेके आते हैं जाके, ताकि बच्चों के आने से पहले पहले जो है वो हम लोग इनके मामला जो है ना वो सेट करते हैं। ले आओ पट्टे, खाने हैं पट्टे, हैं जंतर खाना पसंद करेंगे आज आप क्या बर्सन खाना पसंद करेंगे आज? पट्टे लेके आते हैं तब लेट्स गो। नंबर नंबर मेरे पास है, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ 1000 रुपया, ठीक है? लेकिन ये कि आज मैं दादा लेके जा रहा हूँ, मे भी आज खा लें क्योंकि आज मैंने इनकी रूटीन ज़्यादा चेंज की है, तो मे भी खा लें आज, इसलिए मैं दादा लेके जा रहा हूँ। थोड़ा आगे से बांध दो यार, गिर ना जाए। सामने से आ रहे हैं बादल, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज़ द मौसम इज़ वेरी हॉट और 3-4 दिन से बारिशें नहीं हो रही, लेकिन मेरियाँ बहुत आ रही है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा रात को बहुत ठंडी हो जाती है। मैंने यार कुछ ही मिलते हैं, तो मेरा मोबाइल गिर जा रहा है कहीं पर। और हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी मेरी लान तान होने वाली है बिकॉज मैं चाबी फिर नहीं लेके गया। इतनी मेरी बेइज्जती होती है ना कि नवाल साहब चाबी क्यों नहीं लेके जाते काज, यार मुझे ना ये चाबी और ये सब छोटी मोटी चीज़ें कैरी करना बर्डन लगता है। आई नो इट्स साउंड वेरी डिस्गस्टिंग बट मुझे बर्डन लगता है, तो दैट्स व्हाई। अभी इनकी मैंने यहाँ से जगह साफ करनी है बिकॉज असल का टाइम हो रहा है। आई नो यू आर हंग्री मैन, आई विल गिव यू, डोंट वरी। ये ना इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुआ होगा तो वो देखें। अच्छा खैर, इसकी भी साफ सफाई करवानी है, क्योंकि करवानी नहीं करनी है, खुद करता हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी बकरों को बांध देना है बाहर, वो वहाँ पर 2 कुंडे लगे हुए हैं, वहाँ मैं बांध के इनको पट्ठे दूँगा, फिर ये बकरे बाहर ही रहेंगे टिल मगरिब। बीच में एक दफ़ा असल की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर जाना, नहीं तो मैं बाहर ही रहता होता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इनको टहला भी देता हूँ बाहर और ये अंदर खा पी लेते हैं बाहर, और मैं अंदर से सफाई कर देता हूँ सारी ना। तो अभी बस खुदले बाहर निकालनी है, पट्ठे बाहर रखने हैं, सेटअप करना है सारा, क्योंकि अगर इनको पहले बाहर बांध दिया बाद में सेटअप किया फिर बड़ा ना मसला बन जाता है। फिर अभी ये है कि मैं बाहर सेटअप करके ना सारा इनको खोल दूँगा, और जब ये बाहर जाएंगे तो ये सीधा पट्ठों के पास ही जाएंगे, फिर ये मुझे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि इसका तो मसला कोई नहीं है, ये बहुत तंग करता है, ये टुट में आता है बहुत गंदा। तो खैर एनीवे, क्या हो गया है, क्या हो गया, खींच रहा है अपना गला और खुद ही फिर फांस रहा है, दे देता हूँ तुम लोगों के ही है। ये मैंने बाहर रख दिए हैं ऐसे ही बंधे हुए रखे हैं, क्योंकि ना ये बेसिकली बात है फिर हमारा घर के सामने है ना ये वाला, तो इनके घर की मैं बाद में सफाई भी कर देता हूँ सामने से, कि अच्छा नहीं लगता यार कि नेबर रहें तो फिर क्या कहेंगे। अभी बस इनको खोलना बाकी है। ये देखें इनके काम चेक करें आप कितना खुश हो रहे अब सिर्फ बंसी अंदर काला पड़ रहा है। खोलता हूँ रिलैक्स।
रिलैक्स मैन, हम चेक करने आप लड़ना नहीं है, बाहर जाके पटे का किस चीज की खुशी चढ़ी हुई है, बहुत खुश हो रहा है, माशाल्लाह 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 भाई लड़ना ना मेहरबानी, पट्टे खाओ जाके इसको ना तुमने खुशी इस चीज की चढ़ी होती है, ये जहाँ से आया था ना वहाँ पे खुला रहता था, तो अब जरा यहाँ पे बंद रहता है तो इसमें से थोड़ा सा तंग करता है, उसको मैंने बांध दिया, ये खुला भी रहे ना गली में, ये जाता कहीं नहीं, इसका मुझे ये एडवांटेज है थोड़ा सा। चा वो देखे वो खुशी चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जा आज इंशाल्लाह होपफुली चांद भी नज़र आ जाएगा आज, फिर गिनती के दिन ही है बस, 7 से 8, 9 दिन आ जा ये वीडियो में इसकी हाइट नहीं समझ आती, ये माशाल्लाह बहुत जायंट बकरा है माशाल्लाह, अंदर नहीं जाना फिर मुड़ेगा नहीं तो मुझे पता है, नहीं नहीं बंदा हुआ लड़ नहीं रहे, ये खेलने के मूड में है, ये चलांगे मार रहे, हर एक सही बहुत ज़्यादा प्यार लेता है, बहुत प्यार लेता है माशाल्लाह, एंड आई डोंट कि इसको जब इसने ज़िबा होना है इसको सब 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 ने इसको बहुत याद करना है, मेरे घर वालों को पता लग गया ना ये किचन में कुछ आवा था, मुझे लिटर पड़ जाने, अंदर नहीं आना, दिस इज आवर एरिया नॉट योर एरिया, दैट इज योर एरिया, वो पा दिए ये फुल माहौल में फुल मौज में, अब कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे जी कि आप सिर्फ सिम्बा से प्यार करते हो, आप बामसी से प्यार नहीं करते, भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके साथ, वो मेरे पास 7 महीने से है, ये मेरे पास अभी 1 महीना भी नहीं हुआ आए हुए, प्रॉब्लम ये है कि डेट वन इज़ वेरी अग्रेसिव, ये किसी को नेड़े नहीं आने देता, इवन के एक दफ़ा क्या हुआ था कि इनकी और इस इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, और इसके ये वाला जो ये देखें आप इसके काम चेक कर लें आप, ये देखो ये है ना जी, ये वाला सींग खून निकला हुआ था यहाँ से इसके, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, पता नहीं क्या मसला है, इसने पापा को भी टूट मारा है, पापा के बेचारे घुटने पे चोट लगी है अभी, वो बताते नहीं है लेकिन अच्छी खासी चोट लगी है वो, तो ये मैं इसलिए इसको खोलता नहीं हूँ, ये बच्चा देखे बड़ा देखे इन्हें चक देना भाई, इसका एक ही काम है बस, तो ये है ये बहुत ही शरीफ नफ्स बकरा, ये तो आपको आइडिया हो ही गया, जिस टाइम बिलाल इसको खिला रही होती है ये आपको आइडिया हो ही गया, बेटा वहाँ पर नहीं जाना उधर कर रहा है अपना, चलो चलो उधर जाना है, उधर चल, सारी सफाई कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 से 4 दफ़ा दिन में सफाई होती है, और आप बिलीव करो कि इतनी बुरी हालत हुई हुई है ना इस टाइम, कभी अंगूठे पे चोट लग जाती है, कभी कहीं चोट लग जाती है, इस टाइम मेरे पैर पे छाले निकले हुए हैं, ये देखो आप, ठीक है चला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन जो अजर है ना यार इस चीज़ का, वो चीज़ कहता है कि कीप कंटिन्यू मैन, दे आर जस्ट गेस्ट्रो, 1 more week 1.5 week, तो असल कुर्बानी यही है मेरे नज़दीक, हो गए लोगों के अपने भी मसले मसाइल होते हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज होती हैं, कुछ लोगों के घर छोटे होते हैं, मेरे पास भी ये सारे एक्सक्यूज़ हैं, मैं भी एक बड़े घर से छोटे घर में आया हूँ, बट मेरे इस घर में भी यहाँ पर मैं जानवर भी पाल रहा हूँ, मैं इनकी प्रॉपर जो है वो सेवा भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर जो है वो इनका खाना पीना भी कर रहा हूँ, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं अपना, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ एक, ठीक है, मैंने दो दो बिजनेसेस संभाल लिए होते हैं, मैं अपनी शॉप भी देखता हूँ, मैं अपना काम भी देखता हूँ, मैं इनको भी देखता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, फिर यूट्यूब चैनल को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, अपलोडिंग करनी पड़ती है, SEO करनी पड़ती है, देयर आर सो मैनी थिंग्स, दैट्स नॉट एन ईजी जॉब, तो ये बस एक हफ्ते के सवा हफ्ते के मेहमान हैं, मजीद जिलहज का चांद इंशाल्लाह चांद नज़र आ जाएगा, तो एक डिस्क्लेमर है आप सबके लिए भी, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर लस्तलबी,
लबैक अल्लाहुम्म लबैक लबैक ला शरीका लक लबैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। कसरत से मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने दोनों ने पढ़नी है ये इन 10 दिनों में, ख़ास तौर पर पूरा महीना भी पढ़ेंगे मसला कोई नहीं, लेकिन ये 10 दिन बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट 10 दिन है। ये इन 10 दिनों की जो फजीलत है ना, अगर आपको पता लग जाए ना, बिलीव मी आप लोग पढ़ पढ़ थकोगे लेकिन आप लोग फिर भी छोड़ोगे नहीं इस चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आपका भाई जो है वो पूरा पूरा उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। पिछले साल मैं जब यूके में था मैंने 8 और 9 दिल हज का रोज़ा रखा था, इस दफ़ा मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं 1 दिल हज से लेकर 9 दिल हज तक इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हिम्मत दी 9 के 9 रोज़े पूरे करने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस खैर का वक्त लेके आए। हाँ आई एम गेटिंग इमोशनल यार, ये जब ये चले जाएंगे तो क्या क्या रूटीन होगी। इट्स वेरी टफ मैन। मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है, ठीक हो? कुछ नहीं कहता बेबी यशनैन, बेबी यशनैन आ जाओ। पसंद आया बकरा? बेबी यशनैन बकरा पसंद आया है? पेडू अच्छा है क्या? बकरा अच्छा है? बकरे का नाम क्या है भला? सिम्बा। सिम्बा इसका नाम सिम्बा है, उसका नाम बामसी है। असल में इनको पता है क्योंकि ये अर्तुगुल देखती है, इनको आइडिया है। यार ये उसकी आंखों में उंगलियां डाल रहा है बकरे की। भाई बच्चे लगे हुए हैं अपना बकरे के साथ सिम्बा के साथ खेलने। खैर इसी अपनेपन के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ। एंड इफ यू लाइक द ब्लॉग यू नो व्हाट टू डू, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। पीछे से भाभी मुझे बार बार कह रही है कि दिखाओ मुझे, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि आप देख लें ये हमने क्या बनाया है। अभी ये एक शवादमा यानी कि रैप्स बन रहे हैं हमारे घर, प्लस ये सैंडविच का मसाला बन रहा है। तो ये देखें ये अपना सैंडविच इसमें बनेंगे, प्लस रैप की ब्रेड लेके आइए, रैप की वो वाली जो पिटा ब्रेड होती है। तो बहरहाल भाई ये बन रहा है हमारा। खैर सब्सक्राइब द चैनल, जो आपको दिल करता है आप कर दो, मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।